0, 1, 2, 3, 5, 25, 91 like this और up to the end, और ऐसे ही दूसरी साइड में -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -5 आ जाए, -19 आ जाए। ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो के इस साइड लेफ्ट में क्या है? सब निगेटिव इंटीजर हैं। और इस साइड में क्या है? ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इनको यूज करके हम लोगों को देखना है कि इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में शो करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके क्या होंगे? एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा और डिवीजन का होगा। तो किस केस के अंदर ये आपके इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का। तो कोई भी टू इंटीजर्स हम लेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो फिर देखते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा ये ऐसे वेरिएबल ले लेते हैं ए और बी। वेरिएबल का मतलब ये होगा कि ए कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कोई भी नंबर ले सकता है, -2, -3, -1, और ऐसे ही बी भी कोई वैल्यू ले सकता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ई के। तो अभी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन, तो एडिशन के केस में इंटीजर्स जो होंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कोई नंबर ले लिया, जैसे नंबर लिया -2 और 3, तो -2 और 3 को जोड़ा, -2 प्लस 3, और इनको फिर उल्टा रीअरेंज कर लिया, 3 पहले लिखा और बाद में -2 लिखा। तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, तो ब्रैकेट यहाँ जब लास्ट ये राइट हैंड साइड में ओपन करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये -2 प्लस 3, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, और राइट हैंड साइड में भी 1, तो दोनों साइड इक्वल हैं। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लें। सेकंड एग्जांपल में हम एक ए को हम रखते हैं -5 और बी को हम रखते हैं -7, और एडिशन का एग्जांपल लिया है। तो एडिशन के केस में इनको देखते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं? ए इज इक्वल टू -5 प्लस -7 इज इक्वल टू -7 प्लस -5। तो इनको सिंप्लीफाई किया, -5 -7 इज इक्वल टू -7 -5, ये माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो -12 इज इक्वल टू -7 5 -12, सो बोथ आर इक्वल। एल एच लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। सो यू कैन से कि एडिशन के केस में वेदर यू टेक, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, निगेटिव इंटीजर लें, सम जो आएगा वो इक्वल आएगा ऑफ बोथ साइड। तो यू कैन से कि एडिशन जो है इज कम्यूटेटिव। एडिशन क्या हुआ? कम्यूटेटिव हुआ। किन के लिए? इंटीजर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा। अब सब्ट्रैक्शन का केस देख लें, तो सब्ट्रैक्शन में क्या है? ये कोई भी नंबर ले लिया, जैसे अभी नंबर यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, ए इज इक्वल टू -5
और बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो वही नंबर यहाँ पर रख लिया। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, ए माइनस बी जो होगा वो बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अभी ए कितना है माइनस फाइव, माइनस साइन एज इट इज, बी कितना है माइनस सेवन इज इक्वल टू बी की वैल्यू रखी माइनस सेवन माइनस ए की वैल्यू रखी माइनस फाइव। इसको सिंप्लीफाई किया माइनस फाइव माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन जब ब्रैकेट ओपन किया और ये प्लस फाइव। तो यहाँ पर प्लस के सेवन हैं और माइनस के फाइव हैं, तो ज़्यादा तो प्लस के हैं, तो ये सेवन माइनस फाइव हो जाएगा कितने बचेंगे टू, और इधर माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम हैं तो इधर बचेगा माइनस के टू। तो टू माइनस टू के इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन इज़ कम्यूटेटिव और नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन क्या हुआ नॉट कम्यूटेटिव। एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बी इज इक्वल टू फोर, तो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लें ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ए इज इक्वल टू माइनस थ्री है और माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर फोर, यहाँ फोर माइनस माइनस थ्री ऐसे लिखें, सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस थ्री माइनस फोर और ये फोर प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ में माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में माइनस। तो ये हुआ ऑपरेशन। तो अभी माइनस थ्री माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस सेवन, और फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा ये प्लस के सेवन, सो ये इक्वल हैं नो ये इक्वल नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। राइट होगा, सपोज किया ए इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड बी इज इक्वल टू थ्री, तो ए इंटू बी इक्वल होगा बी इंटू ए के अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए कितना है माइनस फाइव, बी कितना है थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस फाइव। सिंप्लीफाई किया तो इधर आया माइनस फिफ्टीन, और इधर जब सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस हो जाएगा इसके थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन। तो बोथ साइड आर इक्वल, राइट। सो यू कैन से हियर कि अभी मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूटेटिव है। एक एग्जांपल और ले लिया, ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, तभी हम बोल पाएंगे कि कम्यूटेटिव है। तो टू इंटू माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन इंटू ए दैट इज इक्वल टू टू, सो दिस इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन एंड ये भी माइनस फोर्टीन, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। सो यू कैन से कि जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव किनके लिए, इंटीजर्स के लिए। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए होना चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंटीजर्स के लिए। तो कोई एग्जांपल ले लिया, ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू माइनस फाइव और थ्री, चलो बी इज इक्वल टू माइनस थ्री रख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू टू हुआ, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये तो टू बाई थ्री है, ये थ्री बाई टू है, तो ये रिजल्ट तो डिफरेंट होगा।
ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, ए इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड बी इज इक्वल टू 20। तो ए अपॉन बी माइनस फाइव अपॉन 20 ये इक्वल होना चाहिए 20 अपॉन माइनस फाइव के, पर ऐसा तो नहीं है। फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर जा 20, तो ये आया माइनस वन अपॉन फोर। इधर क्या आया, माइनस फाइव वन जा फाइव और ये फोर, माइनस के फोर, तो ये माइनस के फोर हैं, ये माइनस के वन अपॉन फोर हैं, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि डिवीजन जो है इज़ नॉट कम्यूटेटिव।